नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वशीकरण कर 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 थक चुके हैं और आपका वशीकरण सफल नहीं हो रहा है, कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है कि किस तरह आप वशीकरण करें और आपका वशीकरण सफल हो जाए और व्यक्ति जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं वो बन जाए, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक पूर्ण रूप से शक्तिशाली वशीकरण जो स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। मात्र एक तुलसी के पत्ते के प्रयोग से इस वशीकरण को किया जाता है, और ये किस तरह किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दर्शकों, ये वशीकरण इतना प्रचंड वशीकरण है कि इसका ध्यान रखकर करें कि ये उतारा नहीं जा सकता। ये वशीकरण अगर एक बार आपने किसी पर कर दिया तो उसके बाद इस वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है, इस वशीकरण को तोड़ा नहीं जा सकता। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि अगर आप सही होकर इसका प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब सही मंशा से इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तभी इसका प्रयोग करें। आप सच में किसी से प्यार करते हैं, उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, तो इस विधि का प्रयोग जरूर करें और अपने प्यार को अपना बनाएं। आपके कोई दुश्मन है जिन्हें दोस्त आप बनाना चाहते हैं, वो आपको पसंद है लेकिन किसी कारणवश वो आपके दुश्मन बन गए हैं और आप वापस से उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक मंत्र मैं आपको बताऊंगी, शक्तिशाली मंत्र, जिसका प्रयोग कर आप अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। तो आइए बताती हूँ इस मंत्र का इस्तेमाल किस तरह करना है और इस मंत्र को इस्तेमाल करने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, चंद सामग्री जो हमें चाहिए वो क्या है। हमें चाहिए तुलसी का पत्ता। जी हाँ, इस तुलसी के पत्ते की मदद से हम जो है वो वशीकरण करेंगे और किसी को अपना बना लेंगे। और मात्र और हमें चाहिए उस इंसान के घर के आगे की थोड़ी सी मिट्टी, जिस मिट्टी का भी प्रयोग हम इस वशीकरण में करेंगे और इसके प्रयोग से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार आपको करना क्या है। आपको इस तुलसी के पत्ते को अपने मुंह में रखना है, जीभ के नीचे, और उसके बाद 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप प्यार करते हैं या जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। इस तुलसी के पत्ते को अपनी जीभ के नीचे रखिए, उसके बाद 11 बार उसका नाम लीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं या जिसे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं। उसके बाद इस पत्ते के ऊपर उसके आंगन की, उसके घर की या उसके छत की थोड़ी सी मिट्टी रख लीजिए, और इस मिट्टी को रखकर इस पत्ते को अपने हाथ में लेकर आपको जो मंत्र मैं बताने वाली हूँ उस मंत्र का उच्चारण करना है। उस मंत्र के सही उच्चारण अगर आप करते हैं तो उस मंत्र के प्रयोग से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, और मंत्र का उच्चारण आपको सिर्फ और सिर्फ 11 बार करना है। तो 11 बार आप जो है मंत्र जपिए और उस व्यक्ति को अपना बनाइए। ध्यान लगाना है, और दर्शकों एक और बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि जब ये विधि आप कर रहे हो कोई आपको ना देखे, आपके आसपास कोई भी ना हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। तो आइए बताते हैं मंत्र क्या है। मंत्र है ओम क्ली क्ली वशीभूत। इसी मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है, और ये जो तुलसी का पत्ता और मिट्टी है इस मिट्टी को ले जाकर एक चौराहे पर रख कर आना है आपको। जी हाँ, आप ये चौराहे पर रखकर घर आएंगे और उसके कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति का आपके पास फोन आ जाएगा, वो आपसे मिलने के लिए तड़पेगा, वो चाहेगा कि वो अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही व्यतीत करे। और आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आपको इसके लिए करना ये है कि इसी तरह इस विधि का प्रयोग करना है और उस व्यक्ति को अपने करीब बुलाना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई दिक्कत आपको है तो आप हमारे गुरुजी को कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप गुरुजी को कॉल करें, अपनी समस्या बताएं, अपनी परेशानी बताएं, और उसके बाद गुरुजी आपकी समस्या और परेशानी सुनकर उसका जवाब देंगे, उस समस्या का समाधान ही आपको बताएंगे। जय माता दी।